प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल सीधी। एडमिशन ओपन नाउ नर्सरी टू क्लास 7th। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी ने आज जिले के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर हॉल में ही केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट के संबंध में चर्चा करते हुए प्रदेश एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को विस्तार पूर्वक बताते हुए आगामी विधानसभा को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है के संबंध में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शीर्ष कांति देव सिंह एवं जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों ने भाजपा में चल रही अंतर्कलह को लेकर सवाल पूछे, जिसका जवाब देते हुए कहा कि भाजपा में गुटबाजी नहीं है, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जो भी दायित्व दिए जा रहे हैं सभी उसे बखूबी पूरा कर रहे हैं। रही बात मेरे पिछले कार्यकाल की, उस समय कार्यकर्ता कम थे जिससे किसी भी काम को कराए जाने में आसानी होती थी। अब कार्यकर्ता बढ़ गए हैं जिससे कौन सी जिम्मेदारी किसे दी जाए इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। गुटबाजी नहीं है, हमको कह सकते हैं। देखिए क्या है कि हम 10 साल पहले जिला अध्यक्ष थे, 10 साल बाद बने 12 के बाद, तो कार्यकर्ताओं की श्रृंखला बढ़ी है, कार्यकर्ता हमारे बड़े हैं। मैं जिस समय जिला अध्यक्ष था तो इतनी बड़ी टीम आप लोगों की नहीं थी, बहुत कम टीम थी, हमको याद है, बहुत कम टीम थी, 4-6 लोग दिखते थे। तो कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी है, हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हैं और काफ़ी युवा लोग आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला राजनीतिक दल है और यहाँ नहीं पूरा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते कार्यकर्ता बड़े हैं, सब अपने अपने काम लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि विषय वो अलग था, अलग इसलिए था कि सभी ने उसमें प्रयास किया, कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई होगी, बात अलग है। पर आज के इसमें भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा जीतने की स्थिति में खड़ी है, हमारे कार्यकर्ता को मदद कर रहे हैं, संगठन की रूपरेखा आई है। अब देखा होगा जैसे भी बदले जाएंगे क्या, अब ये तो देखिए समय आने पर क्या होगा, किसकी कैसी व्यवस्था बनेगी, ये तो पार्टी का अनौपचारिक मतलब कुछ बदल सकते हैं आपके कहने का तात्पर्य है। ये देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पे, कार्य पद्धति के आधार पे, समय समय पे काम में लोगों को लगाती है। इनो विधायक को अच्छा काम है, हमारी विकास यात्रा चल रही है, फर्स्ट क्लास भीड़ जुट रही है और समस्याओं का समाधान भी हो रहा है और जगह जगह भूमि पूजन हो रहे हैं जो विधायकों ने किया पूरे। और हमारे विधायक, मैं तो कहता हूँ जितने भी राजनीतिक दल के हमारे मध्य प्रदेश में विधायक सब कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष शीर्ष कांति देव सिंह से भी क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश एवं केंद्र सरकार के द्वारा क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री व केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जिले को शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़ी सौगातें मेडिकल व माइनिंग कॉलेज के रूप में दी है। साथ ही बजट में सिंगरौली ललितपुर रेलवे लाइन के लिए 700 करोड़ की राशि स्वीकृत किया गया है जिससे रेलवे के कार्यों में गति आएगी। साथ ही सीधी सिंगरौली NH-39 के खस्ता हॉल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाल ही में सीधी दौरे पर आए थे जहां उन्होंने NH को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही संविदा कार्य को नवंबर तक कार्य पूर्ण किए जाने के लिए निर्देशित किया है और हम लोगों का भी मानना है कि नवंबर तक सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला ये अभियान है, सरकार ये कार्यक्रम आयोजित की है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन पूरी तरह से साथ में लगे हुए हैं। हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, हम लोग वार्डों में जा रहे हैं और जिन लोगों को, चाहे वो गरीब हों, किसान हों, किसी को राशन कार्ड नहीं मिला है, किसी को और योजना का लाभ नहीं मिला है, तो हम लोग मौके पे जाके उनको लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, शासन की योजनाओं को लेके जा रहे हैं, लोगों की तकलीफें सुनने का प्रयास कर रहे हैं और ये सकारात्मक पहल है सरकार। सर, और ये 25 तारीख तक चलने वाला अभियान, 25 तारीख हो जाए उसके बाद इसका हर पहलू पे विचार करके कि क्या इससे सफलता मिली, क्या असफलता हुई, तब ये विचार भी प्रश्न आएगा। लेकिन अभी हम लोग ये जानते हैं ये यात्रा जिस तरीके से शुरुआत हुई, बड़ा उत्साह है जनता में और जनता के द्वार पे हम लोग पहुँच के और उनको लाभ देने का काम करेंगे। अपने आप को निश्चित रूप से, अब आप ये सोचिए कि इतनी
भारी मात्रा में ये पट्टा देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, गरीब परिवार से उठ के आए हैं, किसान के बेटे हैं, उनको ये पता है कि बहुत बड़ी आबादी अभी ऐसी है जिनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है, वो घर कहाँ बनाएं। अब ये इतने लंबे समय से और अन्य दलों की सरकारें रही हैं, कभी किसी का ध्यान इस पे नहीं है। ये अपने आप में मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। विकास सीओ विहीन होने से विकास के रथ रुकते नहीं सर, लेकिन अगर कहीं अधिकारी की कमी है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासन उस पर जरूर ध्यान रखेगा। हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी हर माह आते हैं, ये बात हम उनको ध्यान में दिलाएंगे। खबर शहडोल से, जहां पूरे प्रदेश में विकास यात्रा को लेकर जनप्रतिनिधि व शासकीय कर्मचारी गांव गांव शहर शहर पहुंच रहे हैं, वहीं जैतपुर विधायिका मनीषा सिंह विकास यात्रा को लेकर जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायतों में बाजे गाजे के साथ भ्रमण कर रही हैं। विधायिका व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी लोगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल निराकरण करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं इस विकास यात्रा में कलेक्टर वंदना वैद्य ग्राम पंचायत कमता में पहुंचकर ग्रामीणों को शासकीय योजना की जानकारी दी व अंधविश्वास से दूर रहने की ग्रामीणों से अपील की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है। लाडी लक्ष्मी ने शपथ दिलाई कि नहीं बोला था सीएम साहब ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बोला है विकास यात्रा का, तभी उनको ब्रांड एम्बेसडर की तरह हमने मुकुट और ये पहनाया है कि एक लगे कि ये सामाजिक संदेश दे रही है। तो ये सब बच्चियां आज शपथ ली है, महिलाओं ने शपथ ली है कि हम किसी भी कीमत पर धारणा नहीं होने देंगे। यहाँ के लोग जितने भी उपस्थित है पैसा एक्ट के बारे में कितना जानते हैं, हाथ उठाएंगे। पैसा कानून के बारे में कौन जानता है? पीछे आप लोग कुछ नहीं जानते क्या? अरे जानते हो तो हाथ उठाओ ना। क्या है पैसा कानून? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लिखा है हमारा गांव हमारा तेंदू पत्ता, तो भाई पहले भी ग्राम समिति के ही माध्यम से होता था, ग्राम सभा के माध्यम से, पर अब स्पेसिफिक उस काम के लिए कमेटी बना दी है कि आप अपना तेंदू पत्ता को बेचना है तो किस रेट पे बेचना है। यदि हमारे यहाँ से कोई खनिज निकल रहा है तो पहले हमसे भाई सहमति ले लो, बाकी कहाँ जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, क्या रॉयल्टी होगी, वो सब सरकार तय करेगी। परंतु इसके पहले भी जब दिए गई थी खदाने तो ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित हुआ था, पर अब आप इतनी सारी योजनाएं बनाना, गांधी लक्ष्मी योजना बनाना, स्व सहायता समूह बनाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत हमारी जो बेटियां हैं उन्हें बचत खाता सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बेटियों का खाता खुलवाइए, बचत खाता, इसके माध्यम से निश्चित आपका बचत होगा और सरकार इसमें आपको पैसा देगी और इसके माध्यम से आपके ब्याज और ब्याज ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, इस तरह से आपका बचत खाता होगा बेटी का। और ये 10 वर्ष से नीचे बेटी हो उनको इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा, निश्चित आने वाला भविष्य में आपकी बेटियां समृद्ध होंगी और आगे बढ़ेंगी और निश्चित अपने पैरों पर खड़ी होंगी। इस तरह से सरकार आज जन तैसी हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने ऐसे मुखिया ऐसे मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश में मध्य प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई है। आज मैं देखती हूँ कि गांव गांव में स्व सहायता समूह की बहनें काम कर रही हैं, स्व सहायता समूह की बहनें रोजगार धंधा करने के लिए लोन लेकर स्व सहायता समूह के माध्यम से काम करती हैं, छोटे मोटे धंधे खोलती हैं, मुर्गी पालन बकरी पालन सब्जी भाजी का दुकान ऐसे करके बहुत सारे काम धंधे कर रही हैं। निश्चित हमारी क्षेत्र की महिलाएं बढ़ रही हैं, प्रदेश की महिलाएं बढ़ रही हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से एक नई योजना लाई है, हमारी लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना यह हर एक महिलाओं को अब 1,000 मिलेगा। अभी बैगा महिलाओं को 1,000 मिलता था, उन्हें आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए, अब महिलाओं को भी 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे और यह मार्च के महीने से अब इसको लागू किया जाएगा। निश्चित इसमें हमारी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इसका सर्वे कराया जाए आपके गांव में और ज्यादा से ज्यादा लोगों इसमें जुड़े, यही मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब भी बैठे हैं और तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल सीधी, एडमिशन ओपन नाउ।
नर्सरी टू क्लास सेवेंथ।